नमस्ते मैं दिव्य प्रकाश और तुम क्या नाम है बताओ सबको व्योम दुबे दुबे या व्योम पाठक व्योम दुबे तो आज हम लोग कौन सी कहानी सुनेंगे व्योमे की हाँ रानी चारुमती की चारुमती हाँ चारुमती और चूहे की कहानी तो सुनाई थी ना हाँ। तो सुनाए दोबारा सब बच्चों को सुनाएंगे ना वहाँ पे जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ओके सुनाते हैं तो एक रानी चारुमती थी रानी चारूमती कौन थी किसकी बेटी थी आ। शेर सिंह की बेटी थी जो जंगल में राजा था पता है और वो शेरनी थी तो जब वो जंगल में जाती थी तो कोई उससे बात ही नहीं करता था सारे जानवर उससे डर जाते थे कोई उसके पास ही नहीं आता था उसके कोई फ्रेंड ही नहीं थे इसीलिए वो जहाँ पे भी जाती थी सब जानवर बेचारे भाग जाते थे हिरन भाग जाता था हाथी भाग, भाग जाता था लॉयन तो वो खुद थी ना वो तो लॉयन की बेटी थी ना रानी चारूमती राजा की हाँ लायन की बेटी थी वो जहाँ पे जाती थी सारे जानवर डर के मारे भाग जाते थे तो बेचारी हमेशा बड़ी उदास रहती थी वो बेचारी कुछ उसको समझ नहीं आता था कि वो क्या करे उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था तुम्हारे तो फ्रेंड्स है ना तो रानी चारूमती का एक भी फ्रेंड नहीं था फिर क्या हुआ एक दिन जब वो ऐसे बेचारी जा रही थी रोज शाम को वो जाती थी और घूम के चली आती थी, थी और कोई भी उससे बात ही नहीं करता था तो एक दिन जब वो जा रही थी तो जो हम लोगों का जो उस कहानी का हीरो है चूहा चूहा पेड़ पे खेल रहा था और वो खेल के जब वो उतर रहा था पेड़ से तो उसका पैर फिसल गया और वो रानी चारूमती के पीठ पे आके गिर गया फिर क्या हुआ पता है? नहीं। फिर जब वो पीठ पे गिरा तो रानी चारूमती को गुदगुदी होने लगी यू 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 -दी यू -दी यू गुदगुदी होने लगी उसको बहुत अच्छा लगने लगा तो उसने उसको बोला और करो कौन है कौन है और करो अब जब वो गिरा उसको भी चूहे को लगा इतना मुलायम मुलायम है, मुला है ये तो इतना बड़ा है तो क्या है जब उसने देखा एकदम से तो आपने सामने जैसे हुए चूहा रॉकेट सिंह था चूहे का नाम और रानी चारूमती जब वो एक दूसरे के सामने हुए तो बेचारे वो घबरा गया और डर के मारे उसको सूसू हो गई सूसू, जैसे करते जैसे मेम जाता है सोसु जैसे उसको भी सूसु हो गई फिर उसके बाद रानी बोली उसको नहीं 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 डरो मत डरो मत डरो मत और मेरे को ये बहुत अच्छा लगा है तुम भागो नहीं भागो नहीं चूहा बेचारा डर के मारे भाग रहा था कहते तो तुम भागो नहीं भागो नहीं तुम आ, मैं रोज़ शाम को खेलने आऊंगी तो तुम मेरे पीठ पर ऐसे गुदगुदी कर दोगे तो रॉक रॉकेट सिंह जो चूहा था वो बेचारा डर रहा था तो बोला वो मना तो कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो तो शेर थी ना खा जाती उसको तो बोली ओके फिर वो एक दिन आई रानी तो चूहा खेलने लगा अब वो चूहे को लेके रानी आगे आगे जाती थी चूहा उसके यहाँ बैठ जाता था गर्दन पे इस जगह और वो घूमते थे और सब लोग चूहे को देख के कि अरे ये तो रानी चूहे को खा जाएगी लेकिन चूहे को खाती नहीं थी ना उसकी फ्रेंड थी उसकी बेस्ट फ्रेंड हो गई फिर वो फिर वो करते करते एक दिन जब खेल रही थी उसको घर पहुंचने में देर हो गई तो राजा जो था वो बोला उसको तुम कहाँ गई थी तो बोली मैं तो अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी कहते कौन फ्रेंड तो बोला कि चूहा कहते अगर तुम सबसे दोस्ती करोगी राजा बोला अगर तुम सबसे फ्रेंडशिप कर लोगी तो कोई जानवर हमसे डरेंगे ही नहीं तुमसे तो कोई डरता ही नहीं है क्योंकि चूहे ने क्या किया था अपने सभी दोस्तों से रानी चारूमती की दोस्ती करवा दी थी, थी तो अब कोई शेर से डरता ही नहीं था जंगल में और राजा बेचारा बिल्कुल गुस्से में ये वो पूरा उसने बहुत डांटा रानी चारूमती को फिर क्या हुआ रानी चारूमती को उसने बोला कि अब तुम अपनी गुफा से जो उसका घर होता है गुफा उससे वो बाहर नहीं निकलेगी फिर अब रानी बेचारी दिन भर जैसा व्योम रोता है उ करके तो वैसे रानी बेचारी उ करके रोने लगी और चूहा बेचारा परेशान हो गया अब वो जाता था उसकी हिम्मत भी ना पड़े क्योंकि राजा बहुत डरावना था बहुत फिर क्या हुआ फिर धीरे 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 करके चूहे को लगा कि नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा मुझे तो अपनी फ्रेंड से मिलना पड़ेगा तो वो राजा के पास गया कि राजा 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 मुझे मिलना है बताओ मैं क्या करूं तो वो बोला कि तुम मेरे सामने तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हो निकल जाओ यहाँ से उसको भगा दिया वो बेचारा घबरा गया फिर चूहे ने जाके जिम ज्वाइन किया जैसे मम्मा जाती है जिम हाँ। और वहाँ पर जाकर खूब पार्टी बनाई खूब बॉडी बनाई और धीरे धीरे वो काजू किशमिश फल सब खा खा के चूहा इतना बड़ा हो गया जितने बड़े शेर होते हैं हाँ। छः महीने के अंदर वो इतना बड़ा हो गया और जो रानी थी जब वो पहुँचा छः महीने बाद तो रानी जो थी वो कुछ खाती नहीं थी चूहे की याद में क्योंकि उसका फ्रेंड था उससे बात ही नहीं होती थी बेचारी घर में रहती थी कहीं जाती नहीं थी वो बिल्कुल बंद रहती थी जैसे आजकल हम लोग नहीं जाते हैं नीचे कब जाते ही नहीं है खेलने तो ऐसे घर में रहते रहते रानी जो थी जो रानी रूप में थी वो इतनी बड़ी सी रह गई जैसे चूहे होते हैं छोटे से वो इतनी बड़ी सी रह गई तो वो गया तो उसने राजा को बोला कि राजा मैं लड़ने को तैयार हूँ तुम आ जाओ तो राजा वो देख के बहुत खुश हुआ कि इस चूहे ने इतनी बॉडी बना ली इतनी मेहनत की है उसने कहा ठीक है तुम मेरी रानी से शादी कर लो तो वो रानी से फिर बोला कि शादी कर लो तो चूहे ने कहा ठीक है शादी हो वो ले के आओ रानी को और रानी बेचारी ऐसे ऐसे चल रही थी वो चल ही नहीं पाई थी तो चूहे ने कहा कि मैं इसको भी जिम करवाऊँगा इसको मैं अच्छे से खिलाऊँगा फिर मैं इसे शादी करूँगा और फिर पता है क्या क्या जब शादी हुई तो जंगल में राजा जो था उसने चूहे को जंगल का राजा बना दिया जो कभी नहीं होता है किसी जंगल में तो इस वाले जंगल का जो राजा था वो कौन था राजा चूहा रॉकेट सिंह रॉकेट सिंह राजा हुआ था ना हाँ। बस और उसके बाद सब लोग अच्छे से रहने लगे फिर राजा को उसने डाल दिया ओल्ड एज होम में वो राजा वहां पे शेर वहां पड़ा रहता था और चूहा और फिर रानी वो लोग लो सबसे फ्रेंडशिप कर लिए तो उस वाले राज्य में कोई भी जानवर राजा से डरता नहीं था इतना अच्छा राज था वो ठीक है आगे की कहानी कल सुनेंगे सबको बाय बाय बोलो और हम लोग कल नई कहानी सुनेंगे कल हम लोग रामायण की कहानी सुनेंगे ओके से बाय बाय